आज कोई नेता इस भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस कदर तुष्टिकरण कर रहा है तो वो इकलौती ममता बनर्जी हैं, और वो खुलेआम कर रही हैं जैसे कि उनको हिंदुओं की वोट की आवश्यकता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर भी एक समुदाय विशेष की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पर उन्होंने वहां पर सर उठाने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वहां बाबा का बुलडोजर चलता है। असम में जहां जो है दंगों के लिए जाना जाता था, जब से हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर आए हैं उनका साफ मैसेज है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेलेगा उसको जो है उसकी जगह दिखा दी जाएगी। आज असम में इस प्रकार की हरकतें देखने को नहीं मिलती। आज जो लोग बोलते हैं ना यूपी में काबा, आज यूपी में बाबा और यूपी में बाबा का बुलडोजर बा, तो आज यूपी के अंदर कोई जो है इस प्रकार के मन चले इस प्रकार का जो है हिंसात्मक जो है काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ शेरिन। लोकतंत्र की हत्या की बात करने वाली ममता बनर्जी आज पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर चुप है। जिस तरीके से रामनवमी के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार पत्थरबाजी और हिंसा देखी जा रही है, और इसी तरीके का माहौल है बिहार में। एक तरफ नीतीश कुमार चुप हैं तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी, और वहीं दूसरी तरफ जनता की तरफ से मांग की जा रही है कि इन दोनों ही राज्यों में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं, वेद शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, रामनवमी के बाद से ही दोनों राज्यों में लगातार हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ये नहीं कहा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस है वो लगानी चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास में तुष्टीकरण का की राजनीति का सबसे बड़ा रोल मॉडल हैं। अगर किसी ने एक संप्रदाय विशेष के लोगों को कंधे पर चढ़ाकर सारी सरकारी मशीनरी उनके जो है संरक्षण में संवर्धन में अगर लगाया है पूरे देश में, तो कांग्रेस की भी प्रो मैक्स अगर कोई वर्जन है तो वो ममता बनर्जी हैं। एक बहुत मशहूर कहावत थी कि बगल में छुरी मुंह में राम, परंतु ममता बनर्जी को तो राम से भी दिक्कत है। बंगाल चुनाव से पहले जिस प्रकार बंगाल के अंदर सिलसिलेवार तरीके से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की जो है हत्याओं का जो है एक नृशंस जो है पूरा का पूरा एक ट्रेलर चला, उसके बाद चुनाव जीतने के दंभ में जो ममता बनर्जी और उसके कैडर ने जो बंगाल के अंदर एक विभत्स जो है मानवता को तार करने वाला काम किया, उस वो बानगी अभी तक रुक नहीं रही है। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर ये इन्होंने पहली बार नहीं किया, इन्होंने पहले भी एक बार जो है क्या बोलते हैं, जब इसी प्रकार से दो त्यौहार आपस में टकराए थे तब जो इन्होंने मूर्ति विसर्जन को रोक दिया था और जो हिंदू लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा था, और जो है कलकत्ता हाई कोर्ट से जब हिंदू समाज के लोग वो ऑर्डर लेके आए तब जाके जो है मूर्ति विसर्जन जो है काली पूजन के बाद मूर्ति विसर्जन करने को मिला। तो अगर आज कोई नेता इस भारत स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस कदर तुष्टि कर रहा है तो वो इकलौती ममता बनर्जी हैं, और वो खुलेआम कर रही हैं जैसे कि उनको हिंदुओं की वोट की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब आज वो एक तरफा खेला खेल रही हैं कि जो है हिंदू तो झक मार के किसी ना किसी परसेंटेज में मेरे को वोट करेगा ही, तो मुझे पहले मुसलमानों को जो है इंटैक्ट करना। आप सोचिए, यदि एक मुख्यमंत्री कौन होता है, एक मुख्यमंत्री एक राज्य का अभिभावक होता है, गार्जियन होता है और पूरे राज्य को चलाने का काम करता है। अगर वही मुख्यमंत्री सिर्फ एक पक्ष के लिए जो है वो करे, बैटिंग करने लग जाए और दूसरे पक्ष को जो है इस प्रकार से छोड़ दे, निरीह छोड़ दे, उसको मरने के लिए छोड़ दे, और उसके बाद आरोप लगा दे कि जी फलां पक्ष वाले तो ऐसा नहीं करते, ये वाले लोग ऐसा करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो राज्य किस दिशा की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है आज बंगाल की राजनीति दिशाहीन हो गई है, और वहाँ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है उपेक्षित, पीड़ित और जो है एक प्रकार के डर और त्रास में जी रहे हैं। आप सोचिए, ये किस प्रकार का मैसेज, किस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और ये सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, ये बंगाल में हुआ, ये बिहार में हुआ, ये महाराष्ट्र में करने की कोशिश की गई, ये गुजरात में भी करने की कोशिश की गई, पर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 23-24 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर भी एक समुदाय विशेष की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पर उन्होंने वहां पर सर उठाने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वहां बाबा का बुलडोजर चलता है। असम में जहां जो है दंगों के लिए जाना जाता था, जब से हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर आए हैं उनका साफ मैसेज है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेलेगा उसको जो है उसकी जगह दिखा दी जाएगी। आज असम में इस प्रकार की जो है हरकतें देखने को नहीं मिलती। नहीं तो मैं आपको उत्तर प्रदेश याद दिलाता हूं,
हूँ, उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है बहुत पॉपुलर जगह है, वहाँ पर आए दिनों जो है ऐसा हुआ करता था कि जब जो है हिंदुओं की रामनवमी की यात्रा निकलती थी तो उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, कहीं पर गर्म पानी खोला दिया जाता था, कहीं कुछ कहीं भी कुछ, कॉम्युनल हारमोनी को जो है तार तार करने की तमाम खबरें चलती थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर तुष्टिकरण वालों की सरकार हुआ करती थी और वो जिनके लोगों ने बोला हो, जिनके नेताओं ने बोला हो कि हमने कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाई, वो लोग जो है हिंदुओं की रक्षा कैसे करेंगे। जब उसके बाद बाबा आए तो आज यूपी में काबा, आज जो लोग बोलते हैं ना यूपी में काबा, आज यूपी में बाबा और यूपी में बाबा का बुलडोजर बा, तो आज यूपी के अंदर कोई जो है इस प्रकार के मन चले, इस प्रकार का जो है हिंसात्मक जो है काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, पर बंगाल में यूँ जुटा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रिमंडल जो है एक प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति करने में लगा हुआ है। एक तरफ जहां बिहार शरीफ में इतना दंगा हो रहा है, आज तमाम बिहार के एरिया में क्षेत्रों में जो है दंगा हो रहा है, आज वहां की सरकार जो अनिश्चित काल के लिए जो है इंटरनेट बंद करके बैठी है, वहां की पुलिस की प्रायोरिटी क्या है, वहां की पुलिस की प्रायोरिटी क्या है, मनीष कश्यप के साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो कितना बड़ा आतंकवादी हो, पर आज दंगा फैलाने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री साहब जालीदार टोपी लगा के वहां पे जो है तमाम इशारे की दावतें खा रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में शांत है। नीतीश बाबू, इतनी 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 ज़्यादा तुष्टिकरण की राजनीति जो आप कर रहे हैं ना बिहार के लोगों के साथ, ये जो है जनता आपको माफ़ नहीं करने वाली। और जो आज ये पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए, आज देखिए एक तो ये नीतीश बाबू जो हर 6 महीने साल भर में ये पाला बदल लेते हैं, इनको समझ नहीं आता इनको कौन से वोट बैंक के साथ रहना है, आज लालू के साथ हैं, फिर लालू को छोड़ देंगे, फिर लालू पकड़ लेंगे, फिर लालू छोड़ देंगे, इस प्रकार के पलटू राजनेताओं के चलते जो है बिहार की दुर्दशा हो रही है। अभी तक तो सिर्फ विकास के ऊपर बदहाली थी, अब आज सामान्य जनजीवन के ऊपर बदहाली के बादल मंडरा रहे हैं, वहाँ लोगों का जीना दूभर हो रखा है। तो आज सोचिए हम समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तरफ हिंदू समाज है जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे संतु निरामय की बात करता है, जब वो अपने जो है धार्मिक जो है अभिव्यक्ति की बात करता है, जब और लोग बोलते हैं मुस्लिम एरिया, आप बताइए ये देश में मुस्लिम एरिया और हिंदू एरिया कब से होने लग गया? उस हिसाब से तो इस देश में जो है 80% जो है हिंदू बहुसंख्यक हैं, उस प्रकार से तो पूरे देश को जो है हिंदू एरिया घोषित कर दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि उन जगहों से जुलूस मत लेकर जाओ। देखिए ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं और जो है इस प्रकार के दंगा करने वाले लोगों का हौसला बढ़ा रही हैं, पर ममता बनर्जी को ये याद रहना चाहिए कि उस राज्य में कम्युनिस्टों की भी 3 दशक की सरकार गई थी, तो ममता बनर्जी तुम्हारी जो 1 दशक की सरकार है उसे भी जाने में देर नहीं लगता। भाजपा 3 से 77 पहुंची है, 77 से 150 पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता एक बार बहक जाएगी, 2 बार बहक जाएगी, बार बार नहीं बहकेगी। परंतु केंद्र सरकार ने एक चीज बहुत क्लियर की है कि केंद्र सरकार आंख मूंद करके नहीं बैठेगी। अगर राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को जो है हैंडल करने में फेल होती है तो केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। जो वो तमाम इस देश में जो है कानून के रखवाले मी लॉर्ड्स हैं, जो हांडी से लेकर जलीकट्टू तक जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, आज उनको जरूरत है वो छुट्टियों से निकलें, अपने आलिशान बंगलों से निकलें और सोचें समझें कि बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, और उस पे जो है संज्ञान लें।